किसान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में किया गया। किसान को जागरूकता रथ के जरिए रबी और तिलहन फसल से जुड़ी जानकारियां किसानों को दी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि किसानों को बहुत ही ज्यादा सहूलियत होगी, साथ ही किसानों को बर्बाद हुई फसल के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि उनके खाते में मुख्यमंत्री ने DBT के माध्यम से भेजने का शुभारंभ कर दिया और सभी के खाते में ये राशि चली गई है। वह उसको भी सब्सिडी गया, पैसा गया है और आज इसके माध्यम से लोगों के बीच प्रचार प्रसार का, फसल से संबंधित जानकारी का आज झंडा दिखा करके गाड़ी को विदा किया गया पूरे बिहार। कितना फायदा होगा किसानों को सर इससे? निश्चित तौर पर जागरूकता उत्पन्न होता है, जिसके फसल बर्बाद हुआ है उसको मुआवजा भी सरकार दे रही है। ये तमाम चीज़ों हो, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम छठ के पहले, दीपावली के पहले दे रहे हैं और आज चला गया धनतेरस के दिन। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं गरीबों को, जिस तरह से उन्होंने पर्व के पहले उस आपदा में मदद किया है, ये बिहार की जनता के लिए एक बड़ी सरकार की ओर से उपलब्ध उपहार है। खबर कटिया।